वानी भूल गई। हाँ ये कह रही थी तूने वानी कहाँ पे आ गई हो आप? बच्ची भाई बच्ची कहाँ पे आई हो आप? पता ही ना था दूध लिया वानी आई वानी का फोटो। क्या हुआ कहाँ आई हो आप? ये देखो क्या मेहमान आ रहे हैं यहाँ पर। पानी चाहिए? पानी लगी है आपको? बेटा आपको क्या क्या हुआ, प्यास लग रही है क्या? पानी चाहिए भैया पानी को। मेहमान जी पानी पियो, मेहमान पानी पियेंगे। अरे बच्ची कहाँ से आई है? लो बाबू अरे बड़ा अच्छा नहीं नहीं बड़ा अच्छा फिरोग लगा जी कहाँ चला है? मामा के छे नानी के यहाँ से पानी पियो। नानी के यहाँ से मिला है पानी को। आपने ये नहीं करा। ओ माय गॉड जब वहां जाऊंगी ना दैट मी तब करोगी? तब क्या बोलोगी आप? क्या बोलोगी बोलो। ओ माय गॉड मैं कहां पे आ चुकी हूँ? बोलो ओ माय गॉड मैं कहां पे आ गई हूँ? यहाँ पर मम्मी लग गई हैं अपने मंदिर को सजाने के लिए, और आपने भी सबने सजाया होगा। आप सभी को हैप्पी जन्माष्टमी। तो ये मंदिर यहाँ पे सजा दिया है मम्मी ने, तो यहाँ पे मम्मी पूजा कर रही हैं। तो ये वानी भी लग गई है। वानी कह रही थी कि मुझे भी करनी है, तो मैं कहा चलो भाई आप भी कर लो। तो वानी भी लग गई हैं अपने कान्हा जी को पूजा के लिए करने को, तो वो भी मैडम पूजा करेंगी। तो कह रही थी मुझे भोग लगाना है, तो वो भोग लगाने के लिए उसने मिठाइयाँ ले ली हैं भोग लगाने को, तो वो भोग लगा देगी। यहाँ पे हमारा ये कान्हा जी का दरबार सज के हो गया है तैयार, और वानी लग गई है अपने काम पर, यानी कि कान्हा जी को भोग लगाने के लिए। वो आते ही अपने काम पर लग गई थी, उसे और कुछ नहीं दिखाई दिया, सिर्फ उसे कान्हा जी का ही लगा कि भाई भाई वो लग रही है अपने, तो उसने देखा तो अपने लग गई थी। वो भोग भी लगा रही थी और मिश्री का भी भोग लगा रही थी उनको। तो चलो भाई हमने तो फिर छेड़ा नहीं, वो खुद ही कर रही हैं उनकी सेवा। राधा रानी आ चुकी हैं हमारे घर पर, तो अब थोड़ी देर में उनका राधा रानी का रूप आपको देखने को मिलेगा। तो मैं उनको तैयार कर दूंगी। तो उन्होंने फ़िलहाल मिठाई का और माखन मिश्री का भोग लगा दिया है। क्या खिला रही हो? मक्खन और मिश्री। अच्छा मक्खन मिश्री का भोग लग रहा है। हाँ तो आप कौन हो बताओ? आप कौन हो वानी? अब क्या बन रही हो आप? राधा। राधा बन रही हो? अच्छा राधा रानी आई हुई है हमारे यहाँ पे। वाह क्या है। यहाँ पे भी मैं भी बैठ गई हूँ वानी के साथ। वो जिद कर रही थी कि आप भी बैठो।
तो मैं यहाँ पे आ चुकी थी वानी के पास, तो मैंने उसके साथ मलकम के पूजा करी थी। वो माखन का फिर भी भोग लगा रही थी, वो कितनी बार लगा चुकी थी माखन का, वो भी बार बार मैं कर रही थी कि माखन और मिश्री का मुझे भोग लगाना है। तो यहाँ पे मैं उसके साथ लग गई थी, कभी वह कहीं जल ना जाए, तो इस वजह से मुझे उसके पास बैठना पड़ा। और ये कान्हा जी का दरबार मैंने आज ही लेके आए हैं, तो क्योंकि ये जो कान्हा जी का झूला है ये आज ही आया है न्यू, पहले नहीं था। तो एक मतलब सिंहासन था उनका, जो सिंहासन पर रहते थे, तो ये हम गए थे तो हम आज लेके आ गए हैं। तो ये दीदी ने गिफ्ट करा है कान्हा जी को झूला। भोग लगा रही हो भाई? कान्हा जी के भोग लग रहा है वानी, राधा रानी जी कान्हा जी को भोग लगा रही है। यहाँ पे मेरा मंदिर हो गया है बिल्कुल तैयार सज के। मंदिर देखने में काफी सुंदर लग रहा था, बस थोड़ी सी एक कमी रह गई थी मंदिर को सजाने में, क्योंकि लाइट नहीं लग पाई थी मंदिर पर। क्योंकि लाइट इसलिए नहीं लग पाई क्योंकि वहाँ पे कोई ऐसा स्विच नहीं था जो मैं यहाँ पे लाइट लगा सकती थी। तो लेकिन बिना लाइट के भी मेरा मंदिर और मेरे कान्हा जी बहुत सुंदर लग रहे थे देखने में, झूले में बैठे हुए काफ़ी सुंदर दिखाई दे रहे थे। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और जन्माष्टमी का त्यौहार आप सब ने अच्छे से मनाया होगा और मैंने भी अच्छे से मनाया है। और मुझे बनानी है सोयाबीन बड़ी, तो वैसे मेरे घर में कोई खाता नहीं। चलो फ्लावर स्टार्ट करते हैं हम बनाने की अपनी रेसिपी, जो भी मैं बनाऊंगी वो देखते हैं कि कैसे बनती है कैसे नहीं। चलिए यहाँ पे हमने ये सोयाबीन बड़ी, मैंने आधे घंटे पहले मैंने इनको भे लिया था, तो मैं यहाँ पे इनको निचोड़ दूंगी अच्छे से। अच्छे से ये निचड़ जाएंगी तो फिर मैंने यहाँ पे थोड़ा सा मैंने जो तेल चढ़ा रखा है मैं इनको इसमें तल लूंगी, यानी कि इसमें थोड़ा सा भून लूंगी, इनको फ्राई कर दूंगी थोड़ी देर के लिए। यहाँ पे मैंने ये अपनी सारी सोयाबीन बड़ी अच्छे से
निचोड़ ली है। तो ये वाली मैंने इतनी सोयाबीन, एक कटोरी सोयाबीन बड़ी ली थी मैंने। ये भाई मेरी नन्ही परी आ चुकी है, देखो क्या। हेलो फ्रेंड्स, आज हमारे बनने वाले लड्डू। लड्डू बनेंगे? कहाँ पे लड्डू? इसको पता नहीं है ना, वो तो सोयाबीन की बड़ी को वो लड्डू बता रही है। तो सोयाबीन जो बनी है बोलो। मतलब कड़ी चावल बनेंगे। कड़ी चावल बने? दाल चावल। हाँ आज कड़ी चावल। और मैंने आज कड़ी चावल भी बने ना। मम्मी ने एक सब्जी ली थी, ये देखो। हाँ क्या है वो? टमाटर का हुआ है। टमाटर है। और ये बताओ ये कोई है? आप नहीं खा सकते इसमें, बताओ। बहुत भी यहाँ पे मैंने ये सोयाबीन बड़ियों को हम भून लेंगे और इनको थोड़ी देर के लिए तल लूंगे। हेलो गाइस, आज बनने वाले लड्डू। हाँ यहाँ पे ये मेरी सोयाबीन हो चुकी है थोड़ी सी ब्राउन ब्राउन, तो मैं इनको यहाँ इनसे तेल से निकाल लूंगी जो मैंने जीरा डाल दिया है अपना। और ये मैंने टमाटर और प्याज वगैरह का पेस्ट बना रखा है, तो मैं इसको भी इसमें डाल दूंगी। यहाँ पे ये मेरा फोन आ चुका था, मतलब वानी की पापा का फोन आ गया था, तो मैंने बना दी है। शांति शांति। और मैंने ये ठोक दिया। अब वानी मेरे को बोलने का नंबर आने ही नहीं देगी, अब वानी ही आपसे बात करेगी। वो खुद इतना बात कर लेती है, इतनी मेरे से नहीं होगी। तो मेरी बीच में सब्जी मेरा फोन आ गया था एक। हेलो गाइस, आज मेरा क्योंकि मैंने जो रेसिपी बनानी थी मैं सबको बनाना था, वो मैंने बना दिया था इसमें, क्योंकि फिर मैं आपको दिखाई नहीं पाई क्योंकि फोन आ चुका था। तो इसलिए चलो बन गई है, खा के पता चलता है कैसी बनी है कैसी। अच्छा ठीक है, मेरी सोयाबीन वाली सब्जी बन चुकी है, देखिए कैसी बन गई। तो ये मैंने बना दी है, मम्मी देखने में तो काफी अच्छी लग रही है और खाने में भी पता नहीं है कैसी लगेगी खाने में, तो अभी जब खाएंगे तब पता लगेगा कि कैसी बनी है कैसी नहीं बनी है। देखने में अच्छी लग रही है पर चलो भाई वीडियो का हम यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप मेरे चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, है ना? ऐसी बात है। और कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, और गुड नाइट।